शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। एक बेटी अपनी माँ की जान ले सकती है। श्रवणी, हमें बताओ, ये तुम क्या कह रही हो? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। साफ साफ कहो क्या हुआ है। साफ साफ कहो, ये बकवास किए जा रही है और आप पूछ रहे हैं। साफ साफ कहो। श्रवणी, तुम अभी बताओ बात क्या है? कोई सबूत है तुम्हारे पास? नहीं अंकल, हमारे पास कोई सबूत तो नहीं, लेकिन हाँ, हमें पता है कि ये सब चंद्रा आंटी ने किया। जरूर कुछ किया, हमें पता है। चुप। ना सबूत, ना अपनी आंखों से देखा और लगा दिया इल्जाम, अब चुप क्यों खड़े? ठीक है, चुप नहीं। उठिए ना, देखिए ना कैसे इल्जाम लगा रहे हैं ये लोग आपकी बेटी पर। उठिए ना, ये देखिए ना ये लोग क्या क्या बोल रहे हैं। कह रहे हमने आपको मार दिया। इनसे कहिए ना, हम आपसे कितना प्यार करते थे। इनसे कहिए ना कि हमने कुछ नहीं किया। आप ऐसे कैसे देख सकती हैं अपनी बेटी के साथ ये सब होते हुए? ये इल्जाम बोलिए ना वहाँ। झूठ झूठ झूठ। कितना झूठ बोले कि चंद्रानी, कितना झूठ। बस कीजिए, आपको दादी से कोई भी और प्यार नहीं था। आप तो दादी को पसंद भी नहीं करती थी। कहीं पर भी बेइज्जती कर देती थी। पता है अंकल, दादी रोती थी हमसे आकर कहती थी कि उनकी सबसे बड़ी गलती थी चंद्रा आंटी को इस घर की बहू बनाकर। क्योंकि चंद्रा आंटी को पता चल गया था कि दादी उन पे भरोसा नहीं करती, इसलिए उन्होंने दादी को मार डाला। झूठ झूठ बोलती हो तुम। हम झूठ बोल रहे तो हमें बताइए कि दादी सीढ़ी से कैसे गिरी? दादी की तो तबीयत ही खराब थी ना, वो अपने कमरे से क्यों बाहर निकली? बताइए। हमें कहा पता ये सब? क्यों, घर में तो सिर्फ आप ही थी, आपके सिवा और कोई भी नहीं था। हम अकेले रहते हैं, बीना भी थी। पूछो बीना से, भानु जी आप पूछिए क्या उसने नहीं देखा अम्मा जी को नीचे उतरते हुए? हम पर इतना घिनौना इल्जाम लगा रही है ये लड़की। कल की आई हुई लड़की हम पर इल्जाम लगा रही है। इसे हमसे नफरत है, इसे हमसे तकलीफ है, ये इसलिए कुछ भी अनाप चिलाप हमारे लिए बक रही है। हमें आपसे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आपको हमसे। चुप हो जाओ तुम दोनों। बहुरिया ने देखा है तो बहुरिया ही बताएगी। बीना, ये भाभी और श्रवणी क्या कह रहे हैं?
हाँ सच सच बताना, अम्मा के साथ उस वक्त क्या हुआ था? बिना सच सच बोलना जो तुमने देखा वही बोलना बिना। बताओ बीना क्या हुआ था अम्मा के साथ? बीना बहुरिया, जब अम्मा के साथ ये हादसा हुआ था तो तुम उस वक्त घर पे थी ना? सच सच बताना क्या देखा? बोलो बीना। हाँ भैया, हम पानी लेने नीचे रसोई में आए थे और जाते टाइम मैंने माँ को देखा, माँ बहुत दौड़ी दौड़ी आ रही थी। हमने उनसे कहा भी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं माँ किस घबराहट में थी, लेकिन जब तक हमने माँ को रोका, माँ वहाँ सीढ़ियों से नीचे नीचे आ गए और माँ के साथ। आपने सुन लिया? चकमा गिरी ना, हम वहां मौजूद थे, ना ये लड़की, ये हम पर इल्जाम लगा रही है, कुछ भी अनाप शनाप बकरी। बीना आंटी, आपने कहा कि दादी भाग रही थी, पर दादी क्यों भागेंगी जब उनकी तबीयत खराब थी? तो जरूर चंद्रा आंटी ने कुछ किया होगा। पीन आंटी, आपको और कुछ याद है? और क्या हुआ था? नहीं बेटा, हम तो जब तक कुछ समझ पाते, कुछ देख पाते तब तक अजी, लेकिन चंद्रा आंटी तो ऊपर थी ना, पता उन्होंने कुछ, इन्होंने धक्का मारा होगा दादी को। धक्का मारा होगा? तू अपने शक के बिना पे हम पर इतना बड़ा इल्जाम डाल रही हो? हम क्यों सुन रहे हैं ये सब इसकी बकवास? ये होती कौन है हमको इस तरह से बोलने वाली? आप चुप क्यों करे, बोलिए कुछ। हेलो, शबरी गलत नहीं कह रही है, हमारी तुम्हारी माँ से बात हुई थी और वो बहुत घबराई हुई थी और बार बार चंद्रा का नाम ले रही थी। लेकिन हमारी उनसे पूरी बात नहीं हो पाई, अब फोन कट गया, बस वही तुम्हारी माँ के आखिरी शब्द थे और वो हमें छोड़ कर चले गए। दादी ने आपका नाम लिया, क्यों लिया? क्या पता कि उन्होंने क्यों नाम लिया और लिया भी कि नहीं लिया। हो सकता है उन्होंने गलत सुना हो सकता है ना, और हो सकता है ना कि कुछ अच्छा बोलने के लिए भी बोला हो, ये भी हो सकता है ना। अगर वो तुम्हारा नाम लेती तो अच्छा बोलने के लिए लेती, इसका नाम लेती, इनका नाम लेती, किसी का भी नाम लेती, लेकिन चंद्रा का नाम लिया तो इसका मतलब वो गलत बोलने के लिए लिया है। शबनी, क्यों कर रही हो तुम? ये हमारे खिलाफ भड़का रही है सबको। हम गलत बोल रहे हैं ना, तो फिर बंटी के सर पर हाथ रखिए और कसम खाइए कि आपने कुछ नहीं किया, आपने दादी को नहीं मारा।